सीआरपीएफ का आज स्थापना दिवस है, जिसे आज सीआरपीएफ की जन्मस्थली नीमच में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज से लेकर 3 दिन तक सीआरपीएफ में कई कार्यक्रम होंगे। सीआरपीएफ कैंपस ही नहीं बल्कि शहर में भी आज के दिन सीआरपीएफ के बैंड ने अपनी आकर्षक प्रस्तुति देते हुए शहरवासियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया। सत्ताईस जुलाई एक बहुत ही ऐतिहासिक तिथि है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए। 27 जुलाई 1939 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहली बटालियन नीमच की इसी ऐतिहासिक धरा पर स्थापित की गई थी। मेजर जेएफ पर्ट पहले कमांडेंट थे उसके। उस वक्त सीआरपीएफ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जानी जाती थी और उसका मेन काम होता था जो ब्रिटिश रियासतें थी, ब्रिटिश होल्ड था जिन रियासतों के ऊपर, उनमें जो ब्रिटिश रेसिडेंट्स होते थे उनको सुरक्षा देना और उनकी जो एरिया थे, जो रियासतें थी, उनमें कानून व्यवस्था को बरकरार रखना। 1949 में यानी कि देश के आज़ाद हो जाने के बाद जब ये विचार किया गया कि इस बल का अब क्या किया जाए, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस से इसका नाम चेंज करके इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का नाम दे दिया गया। और तब से लेके आज तक देश के आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखने में सीआरपीएफ अहम भूमिका निभा रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी हो, पंजाब की मिलिटेंसी हो, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो या छत्तीसगढ़ में माओइस्ट ऑपरेशन हो। हर जगह हमारे देश के, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने, अधिकारियों ने अनेकों कुर्बानियाँ देकर हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बना के रखा हुआ है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए और विशेष रूप से नीमच के लिए, क्योंकि नीमच ही वो जगह है जहाँ पे पहली बटालियन सीआरपीएफ की रेस की गई थी और आज 246 बटालियन सीआरपीएफ में हो गई है। बहुत बड़ा एक, बहुत सबसे भरोसेमंद पुलिस बल सीआरपीएफ बन चुकी है भारत देश की। चाहे केंद्र की सरकारें हों, चाहे राज्य की सरकारें हों, जहाँ कहीं भी कानून व्यवस्था, जहाँ कहीं भी अशांति, इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो सीआरपीएफ पहली वो फोर्स होती है जिसे राज्य और केंद्र की सरकारें याद करती हैं।